प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 7। गणित रहेगा अध्याय, इसमें 11 है, घात और घातांक। तो इसमें हमने 11.1 प्रश्नावली पहले कर चुके हैं बच्चों। अगर आपने वो नहीं की तो आपको यहीं से 11.1 प्रश्नावली का लिंक आपके पास आ जाएगा, आप वहां से कर सकते हो। और आज की वीडियो में हम करेंगे बच्चों 11.2 प्रश्नावली कंप्लीट करेंगे, सभी क्वेश्चंस के हल करेंगे बच्चों। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत फायदेमंद है बच्चों। और हाँ, इसमें एक बेल आइकॉन यानी घंटी का बटन आप दबाइए, तो जैसे ही आपके पास ये मैं नई वीडियो डालूंगा ना, तो एकदम से आपके पास वो वीडियो आएगी, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है? तो घंटी का बटन भी आपने दबा के रखना है। फिर तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसमें पहला प्रश्न में देखिए क्या कहता है ये। घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। यानी हमने जो घातांकों के नियम है उनका फॉलो करना है और इसको सॉल्व करना है, इसको घातांकीय रूप में लिखना है, पावर के रूप में लिखना है, ठीक है? तो चलिए करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम पहला पार्ट कर लेते हैं। इसके कुछ नियम है घातांकों के। इसमें क्या है, जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये इसमें कहता है 3 की शक्ति 2 गुणा 3 की शक्ति 4 गुणा 3 की शक्ति 8। तो इसमें देखो बच्चों, जब आधार बराबर होते हैं, मैंने आपको कल पिछली वीडियो में बताया था कि आधार कौन से हैं। आधार यहाँ पे 3 है, जैसे 3, 3 और 3, तीनों के आधार सेम है। तो जब आधार बराबर होते हैं, तो जब हम बीच में गुणा का निशान हो, तो इनकी जो शक्तियां हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो हम इसको लिखेंगे बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर यहाँ पे कर रहा हूं मैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 की शक्ति 2 जमा 4 जमा 8, ठीक है? तो आपने इसको लिखना है 3 की पावर 2 जमा 4 जमा 8, यानी इनकी पावर्स को जोड़ना है। तो ये आ जाएगा आपके पास बच्चों आंसर। तो इसको लिखोगे आप बराबर 3 की पावर 4 और 2 6, 6 और 8 14, तो 3 की पावर 14 है जो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों फर्स्ट पार्ट का, ठीक है? अब ऐसे ही सेकंड पार्ट है। देखिए सेकंड पार्ट में, अब जब गुणा होता है ना बच्चों, तब तो पावर्स ऐड होती हैं, लेकिन जब बीच में भाग हो तो पावर्स जो है, घातांक हैं, वो घटा होते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है? तो इसमें हम लिखेंगे आधार, दोनों में देखो सेकंड पार्ट में सेम है, दूसरा पार्ट कर रहे हैं हम, 6 है दोनों, तो आधार लिख लो आप 6। और इसमें पावर्स, ये बीच में क्या है, भाग, डिवाइड का सिंबल है बीच में, तो पावर्स घटा करेंगे, यानी 15 माइनस 10 लिखेंगे बच्चों। तो इसका आंसर आप लिखोगे बराबर 6 की पावर 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है? फिर ऐसे ही आपके पास थर्ड पार्ट है बच्चों, देखिए इसको यहाँ कर लेते हैं। तो ए आधार है, तो ए लिख लो आप यहाँ पे ए, और पावर्स जुड़ जाएंगी क्योंकि बीच में गुणा है, क्योंकि ए की पावर 3 गुणा ए की पावर 2 है, तो ए की पावर कितना आ जाएगी, 5 आ जाएगी बच्चों, 3 जमा 2 5, या इसको आप ऐसे लिख लो, पहले 3 जमा 2 कर लेते हैं, 3 जमा 2 बराबर 1 की पावर 5, ए की पावर 3 जमा 2 बराबर 1 की पावर 5, ठीक है? तो इस तरह से आपने करना है। अब ऐसे ही फोर्थ पार्ट कर लेते हैं इसका। तो फोर्थ पावर में पार्ट में क्या है, 7 है, जैसे 7 है, तो इसको यहीं पे कर रहा हूं मैं। तो
तो इसका मतलब क्या है, 7 की पावर x जमा 2, 7 की पावर x जमा 2, यानी पावर्स को हमने जोड़ दिया है। अब x जमा 2 को हम ऐसे ही रहेंगे, तो ये आपका आंसर है इसका, ठीक है, और इसका आंसर ये है बच्चों, और उसका वो आंसर है। अब हम ये कर लेते हैं पांचवा पार्ट, कौन सा पार्ट है, तो पांचवा पार्ट मैं यहाँ पे करूंगा बच्चों, ठीक है, पांचवा पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखो, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 और उसकी पावर है 3 और भाग है 5 की पावर 3। तो अब ये जब पावर की पावर, यानी जब इस तरह से आपको दिखाई देती हैं पावर्स या घातांक, तो ये दोनों आपस में गुण हो जाती हैं, 2 3 6, तो यहाँ आ जाएगी 5 की पावर 6 भाग 5 की पावर 6, यहाँ बीच में भाग का निशान है या डिवाइड का चिन्ह है, और 5 की पावर 3, तो ये लिखोगे आप यहाँ पे 5 की पावर 6 माइनस 3, जब बीच में भाग होता है ना या डिवाइड होता है तो पावर माइनस होगी, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5 की पावर 6 माइनस 3, कितना आ जाएगा 3, ये आंसर है पांचवे का, ठीक है। अब छठे पार्ट को मैं वहीं पे कर लेता हूँ, तो छठे पार्ट में देखिए बच्चों क्या है, तो यहाँ पे है ये 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5। अब ये देखिए यहाँ पे थोड़ा अलग आ गया है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 5 है, आधार अलग अलग है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पावर सेम है, 5 है 5 है, तो जो सेम होती है ना पावर, तो पावर तो 5 ही रहेगी, लेकिन आधार आपस में गुणा हो जाएंगे वो अगर अलग अलग हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणा 5, यानी 2 गुणा 5 और इन सब की पावर वही 5 ही रहेगी, ये आपने याद रखना है। तो 5 गुणा 2 कितना होते हैं 10, तो ये 10 की पावर 5 आ जाएगी, ये आंसर है बच्चों आपका, ठीक है, 10 की पावर 5। फिर उसके बाद आपके पास ऐसे ही ये पार्ट आ जाएगा बच्चों, ये अलग पार्ट था, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या आएगा, देखिए 1 की पावर 4 है और b की पावर 4, तो पावर सेम है, आधार अलग अलग हैं, तो आधार को आपने 1 गुणा करना है बस, a गुणा b, यानी ab लिख दो और इसकी पावर आप लिख दो 4, ab की पावर 4, ठीक है। फिर ऐसे ही 9वां प्रश्न है, 9वें में क्या है देखिए, 8 की t और भाग 8 की 2, तो दोनों के बीच में डिवाइड का सिंबल है, आधार सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, घटा हो जाएंगी, तो ये लिखो t माइनस 2, ये आंसर है बच्चों, ठीक है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। अब हमारे पास ये है 8वां पार्ट, इसको कर लो। 8वें पार्ट में क्या आएगा, 3 की पावर 4 गुणा 3, 4 गुणा 3, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 12। जब पावर की पावर होती है तो पावरें गुणा हो जाती हैं। अब ऐसे ही 10वां पार्ट है, ये कर लेते हैं, तो इसमें देखिए 2 की पावर 20 और ये डिवाइड है तो -15 हो जाएगा अंदर, तो और गुणा 2 की पावर 3 है, तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, तो डिवाइड है तो इसलिए पावरों को मैंने घटा दिया, आधार बराबर थे, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 3, तो ये आ जाएगा बच्चों 2 की पावर 8, आधार बराबर हैं तो शक्तियां जुड़ जाएंगी, 5 जमा 3 8 आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों, तो इसे कर लीजिए, ठीक है। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांकीय रूप में व्यक्त करना है, यानी हमने इनको सरल करना है और इनको घातांकीय रूप में लिखना है बच्चों।
तो इसको देखिए कैसे करेंगे। तो पहला पार्ट है जैसे आपके पास 2 की पावर 3, तो इसको लिख लेते हैं 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 4/3 गुणा 32, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए क्या करना है बच्चों, 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 4 है और 4 है बच्चों। पहले तो हम इसको अगर कोई कटता है ना तो उसको काटना है। तो यहाँ देखो 4 एकम 4, 4 8 32, 4 के पार 32 आता है तो 4 8 32। और अब ये देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या है, 2 की पावर 3 भी 8 होता है। 2 की पावर 3 क्या होता है, तो हम इसको लिखेंगे 8 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 4 1 आ गया ये तो, और यहाँ पे नीचे है 3 गुणा 8, तो 2 की पावर 3 को हमने 8 लिख लिया बच्चों, ठीक है। तो 2 की पावर 3 को 8, 8 से 8 कैंसिल, इसलिए लिखा था ये क्योंकि नीचे 8 है और ऊपर 8, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया आपके पास 3 की पावर 1 है नीचे और यहाँ 3 की पावर 4 है बच्चों, तो ये ऊपर जाएगा भाग, यानी 3 की पावर 1 है ये। इसका मतलब 3 का मतलब है 3 की पावर 1, तो ये जब डिवाइड है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी पावर, ये आपने रखना है। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, जब भाग होती है तो पावर माइनस होती है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4, या भाग कर दो आप 3 की पावर 1, ये 3 की पावर 1 ऊपर जाके भाग, तो क्या हो गया 3 की पावर 4 - 1, तो क्या हो गया 3 की पावर 3, तो यही आपका आंसर है बच्चों, ठीक है। तो ये 3 की पावर 4 आपका आंसर आ गया, ठीक। हाँ, ये आपका पहला पार्ट हो गया है, आगे चलते हैं। तो आगे बच्चों ये कर ले और इसके बाद अब सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट में देखिए आप क्या करना है। तो देखिए बच्चों, दूसरे का सेकंड पार्ट है हमारे पास ये, तो ये करना है अब हमने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 5 की पावर 2 और उसकी पावर 3। तो 5 की पावर 2 गुणा 3 हो जाएगा 6, तो यहाँ पे लिखो 5 की पावर 6 इसका गुणा 5 की पावर 4, और इसको भाग देना है 5 की पावर 7 से। तो 5 की पावर 6 है, 5 की पावर 4 है, आधार बराबर हैं तो शक्तियां जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे आप लिखोगे 5 की पावर 6 जमा 4, और इसको भाग देंगे आप 5 की पावर 7 से। तो 6 जमा 4 कितना हो जाएगा, 5 की पावर 10 भाग 5 की पावर 7। अब आधार बराबर है लेकिन बीच में भाग है तो शक्तियां घटा हो जाएंगी, तो ये आ जाएगी 5 की पावर 10 - 7, तो ये आ जाएगा बच्चों 5 की पावर 3 आंसर, ठीक है। ये पांच दूसरे का सेकंड पार्ट है बच्चों, तो ये कर लीजिए जल्दी से। तो इसमें देखिए सेकंड पार्ट में, ये दूसरे का तीसरा पार्ट है बच्चों ये वाला। तो 25 की पावर 4 भाग 5 की पावर 3, तो 25 की पावर 4 का मतलब है 25 को लिख सकते हैं हम 5 की पावर 2। 25 क्या होता है, 5 की शक्ति 2, यानी 5 गुणा 5 25 होता है। तो 5 की पावर 2 और ये 4 है सबकी भाग 5 की पावर 3, तो यहाँ पे 2 गुणा 4 8 आ जाएगा, 5 की पावर 8 और भाग 5 की पावर 3। तो यहाँ लिखो आगे 5 की पावर 8 - 3, तो ये आ जाएगा बच्चों क्या आ जाएगा, 5 की पावर 5 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट है, अब हम इसका अगला करते हैं फोर्थ पार्ट जल्दी करने से। तो आ गया बच्चों चौथा पार्ट, ये देखिए। तो ये मैंने लिख लिया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे अब, ये है देखिए यहाँ पे 21 है, क्या है 21 में क्या होता है, 7 गुणा 3 या 3 गुना 7 होता है 21, और यहाँ पे 3 है और ये 7 की पावर 2 है, तो हम क्या करें 7 की पावर 2 को 7 गुणा 7 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 गुणा 7 गुणा 7 गुणा, अब ये 11 की पावर 8 है,
और ये नीचे पे है तो डिवाइड कर लेते हैं इसको 11 की पावर 3 से, यानी ये ऊपर ले गया मैं डिवाइड में, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे 21 को, लिख लो ऐसे ही गुणा, बस नीचे 11 की पावर 3 ऊपर चला गया, मैंने ऊपर लिख दिया इसको, ठीक है। तो इसको नीचे से कुछ नहीं करना आपने अब। फिर उसके बाद 3 7 21 होते हैं बच्चों, 7 से 7 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो आगे है, जैसे 7 लिख लिया बच्चों, 11 की पावर कितनी आ जाएगी, 8 माइनस 3, 8 माइनस 3, और नीचे कुछ नहीं रहा, तो ये आ जाएगा आपके पास 7 गुणा 11 की पावर 5, आपका आंसर है बच्चों ये, ठीक है। अब हम अगला करते हैं, कौन सा करें, ये कर लिया था तुमने, अच्छा ठीक है। आगे देखो अगला पार्ट है ये पांचवा, तो इसमें देखिए आपके पास 3 की पावर 7 है और बटे है 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 3 की पावर 7, और नीचे कितनी आएगी, 3 की पावर 7 ही नीचे आएगी, ठीक है। 3 की पावर 7 ही नीचे, क्योंकि 4 जमा 3 7 हो जाएगा। अब 3 की पावर 7 ऊपर है, 3 की नीचे है, तो इनको काट दो, 1 आ जाएगा बच्चों आंसर, ठीक है, 1 आंसर आ जाएगा। अगला करेंगे, अगला है बच्चों छठा पार्ट, देखिए आपके पास 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0 बीच में जमा है, तो जब भी किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान आपने याद रखना है 1 होता है बच्चों, क्या होता है, 1। तो 2 की पावर 0 1 है, फिर जमा 3 की पावर 0 1 और 4 की पावर 0 भी 1, तो 1 जमा 1 जमा 1 3 आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो ये कर लें बच्चे जल्दी से। अगला है बच्चों ये देखिए ध्यान से समझें, दूसरे का 7वां क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, तो 0 का मतलब है 1 गुणा 1 गुणा 1, तो ये आ जाएगा बच्चों 1। जब 1 कितनी बार भी गुणा करें तो आंसर 1 ही रहता है, ठीक है। ऐसे ही आपने अब 8वां पार्ट है इसका, दूसरे का 8वां भी कर लेते हैं यहीं पे। ये है 3 की 0 जमा 2 की 0 और गुणा में 5 की 0, ठीक है। तो 2 की 0 और 3 की 0 कितना हो गया, 1 जमा 1, और गुणा में 5 की 0 भी 1, 1 जमा 1 2 होता है बच्चों, गुणा 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 गुणा 1 2 आंसर, ठीक है। तो ये दूसरे का 8वां पार्ट था। अब हम आगे कर लेते हैं, कौन सा करना है, तो अगला बच्चों ये देखिए दूसरे का 9वां पार्ट देखें, तो हमने ये लिख लिया है 2 की पावर 8 गुणा 1 की पावर 5 और 4 की पावर 3 गुणा 1 की पावर 3, तो हम यहाँ पे 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और सारे की पावर 3, तो यहाँ लिखो आप 2 की पावर 8 है गुणा 1 की पावर 5 है बच्चों, और ये 1 की पावर 3 को यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ऐसे 1 की पावर 3, और नीचे बटे में है 4 को लिख रहा है 2 की पावर 2, 4 होता है और इसकी पावर 3 है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपके पास देखिए बच्चों 2 की पावर 6 हो जाएगा, 2 की पावर 2 गुणा 3 6, ये ऊपर भाग में जाएगा तो घटा हो जाएगा ये, तो ये जो हो जाएगा देखो 2 की पावर 8 भाग 2 की पावर 6, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, 1 की पावर 5 माइनस 3, 1 की पावर 5 माइनस 3, अब यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा 2 की पावर 8 माइनस 6 गुणा 1 की पावर 5 माइनस 3, तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर और गुणा 1 की पावर 2, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 9th क्वेश्चन।
ठीक है। तो देखें बच्चे आगे दूसरे का दसवां पार्ट है, ये वाला दसवां है दूसरे का। तो ए की पांच बटे ए की तीन गुना ए की आठ, तो ए की पांच बटे ए की तीन को ए की पांच माइनस तीन हो जाएगा, और ये ऐसे ही। तो पांच माइनस तीन दो होते हैं, तो ए की दो गुना ए की आठ, दो जमा आठ दस हो जाते हैं, ए की पावर दस आंसर आ गया इसका। फिर दूसरे का ये वाला पार्ट है दस ग्यारहवा, तो चार की पांच गुणा ए की तीन, ए की आठ है सॉरी बी की तीन, अपॉन चार की पांच गुणा ए की पांच गुणा बी की दो। तो यहाँ पे देखिए चार की पांच से चार की पांच आप कैंसिल कर सकते हो, या चार की पांच माइनस चार पांच, यानी ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, आप इसको यहां भी काट सकते हो, ठीक है। ए की आठ माइनस पांच, यानी ये पांच ऊपर जाके माइनस, क्योंकि ए की आठ ऊपर है, ए की पांच नीचे है। फिर एक बी की तीन और बी की दो नीचे है, तो भाग में है तो माइनस हो जाएगा ये भी। तो चार माइनस चार जीरो, चार की पावर जीरो का मतलब एक, ए की पावर आठ माइनस पांच तीन, और बी की पावर एक, बी की पावर एक हो तो बी ही लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पे आपका एक की तीन बी आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसका अब लास्ट है बारहवा क्वेश्चन, वो भी कर लेते हैं, इसका बारहवा पार्ट रह गए। तो ये देखिए आपके पास ये है बारहवा पार्ट, तो दूसरे का। तो अब ये इसको लिख लेते हैं हम, दो की पावर तीन गुणा दो की पावर एक है अंदर और बाहर दो है, दो की पावर तीन जमा एक आ जाएगा, दो की पावर तीन जमा एक और इसकी पावर दो बच्चों। फिर क्या आएगा, दो की पावर चार और इसकी पावर दो, तो चार और दो जो है ये दोनों गुणा है, तो ये आ जाएगा दो की पावर आठ आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर तीन, देखिए बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो हमने बताना है सत्य है या असत्य है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपके पास क्या कह रहा है, ये तीसरे का पहला पार्ट है जो दस गुणा दस की शक्ति ग्यारह, दस गुणा दस की शक्ति ग्यारह कितना होता है बच्चों, देखो दस की शक्ति एक है ये और दस की ग्यारह है, तो क्या आ जाएगा, ये दस की शक्ति बारह आएगा, ठीक है, दस की शक्ति बारह। और यहाँ पे देखिए इसकी तरफ दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं, सौ की शक्ति ग्यारह, सौ की शक्ति ये वाला है ना, सौ की शक्ति ग्यारह, तो सौ की सौ को हम कर सकते हैं दस गुना दस, यानी दस की शक्ति दो। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दस की शक्ति दो और उस इसकी सारे की शक्ति ग्यारह, ठीक है। तो दो गुना ग्यारह कितना होता है, तो ये आ जाएगा बच्चों दस की शक्ति बाईस। अब ये देखो ये तो दस की शक्ति बारह है, ये बाईस है, तो ये बराबर नहीं है, तो इसलिए पहले का पार्ट असत्य आ जाएगा, क्या आएगा, असत्य आंसर है बच्चों इसको, दूसरे तीसरे का पहला पार्ट, ठीक है। अब ये दूसरा पार्ट है दो की पावर तीन बड़ा है पांच की पावर दो से, दो की पावर तीन का मतलब है आठ, क्या आठ बड़ा है पांच की पावर दो का मतलब पच्चीस, क्या आठ पच्चीस से बड़ा है, तो ये असत्य आ जाएगा, क्या आएगा, ठीक है। तो दूसरे का अब तीसरा कर लेते हैं हम, यहाँ पे कर लेते हैं ये वाला। तो ये दूसरे का तीसरा है, ठीक है। तो ये है दो की पावर तीन गुणा तीन की पावर दो बराबर छह की पावर पांच, दो की पावर तीन गुणा तीन की पावर दो, ठीक है। तो यहाँ दो की पावर तीन आठ होता है,
और 3 की पावर 2 कितना होता है? 9। तो 9 8 8 9 72 होते हैं, कितने होते हैं? और ये कह रहा है कि 6 की पावर 5, 6 छक्के 36 छक्के, यानी ये ज्यादा हो जाएगा 72 से, ठीक है। तो इसको देखो कितनी आएगा। तो बच्चों जब हम 6 की पावर 5 यानी 6 को 5 बार गुणा करते हैं तो 77 76 आता है इसमें। तो क्या ये दोनों बराबर है? 77 76 77 176 और एक तरफ 72 है, तो ये असत्य आ जाएगा बच्चों, असत्य है, ठीक है। अब इसका एक लास्ट पार्ट ये रह गया, ये देख लेते हैं तीसरे का चौथा पार्ट है। 3 की पावर 0 और 1000 की पावर 0। तो देखो 3 की पावर 0 भी 1 है और 1000 की पावर 0 भी 1 ही होता है, यानी किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 ही रहता है बच्चों। तो ये सत्य है लास्ट वाला, ठीक है। तो ये कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो इसमें देखिए हमने क्या करा, पहला क्वेश्चन है आपके पास 108 गुणा 192, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए बच्चों, ऐसे जैसे आपने पिछली एक्सरसाइजों में भी किए हैं ये। तो 2 पे गया 54, फिर 2 पे 27, 3 पे जाएगा 9, तो इस तरह से ये लिख लिए। अब हम पहले ये दोनों के अभाज्य गुणनखंड जो है मिक्स करके लिखने हैं। अब हमने आगे तो 2 देखो कितनी आई, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 8। अब 3 देखो, 1 2 3 4, तो ये 3 की पावर 4, तो ये आपका आंसर आ गया बच्चे, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पार्ट करते हैं हम दूसरे का, 270, तो 2 पे जाएगा ये 135, फिर 5 पे जाएगा 5 दूनी 10, 5 7 35, फिर 3 पे 9, फिर 3 पे 3, फिर 3 पे 1। तो अब ये देखिए क्या लिखें इसको 270 को, तो 270 बराबर आ जाएगा बच्चों 2 गुणा 5 गुणा 3, कितने बार हैं? 3 बार, 1 2 3, तो 3 की पावर 3 लिख दो आप इसको, ठीक है। फिर हम थर्ड पार्ट को कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा जैसे 729 गुणा 64, तो 729 गुणा 64, तो 729 के ऐसे ही गुणनखंड करेंगे, 729 के गुणनखंड, 3 पे जाएगा बच्चों, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तीये 9, फिर 3 पे 81, फिर 3 पे 27, फिर 3 पे 9, 3 पे 3, 3 पे 1, तो ये फिर 64 को करने आपने ऐसी अभाज्य गुणनखंड, 2 32 दूना 64, 2 16 दूनी 32, 2 8 दूनी 16, 2 4 दूनी 16, और फिर 2 पे और 2 पे 1। तो अब देखो क्या लिखें, 729 गुणा 64, तो ये कितना आ जाएगा? 3 की पावर 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 6 गुणा 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर भी 6, तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों इसका, ठीक है। अब ऐसे ही हम इसका फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं, चौथे का फोर्थ पार्ट। तो चौथे का फोर्थ पार्ट क्या है, 768 है बच्चों, 700
तो इसके भी कर लो ऐसे ही, दो पे जाएगा, दो तीय छः और दो अट्ठे 16 और दो चौके 8, फिर दो पे दो एकम 2, दो निम्मे 18, दो दूनी 4, फिर दो पे दो निम्मे 18, दो छिके 12, फिर दो पे दो चौके 8, दो अट्ठे 16, फिर दो पे 24, दूना 48 होते हैं बच्चों, फिर दो पे 12, फिर दो पे कितना आ जाएगा 6, फिर दो पे 3, फिर 3 पे 1, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 768 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो 768 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लो 768 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 गुणा 3 की पावर 1, तो ये आपका आंसर है बच्चों, ठीक है। तो ये चौथे का चौथा पार्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, ये इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से समझे। तो पांचवें का पहला पार्ट है जैसे आपके पास ये, ठीक है। तो इसका आंसर देखें, 2 की पावर 5 है और उसकी पावर 2 है, तो यहाँ पे 5 गुणा 2 हो जाएगा बच्चों, तो 2 की पावर हो जाएगा 10 गुणा 7 की पावर 3, ठीक है। और नीचे देखिए क्या है बच्चों, 8 की पावर 3 है, जो 8 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3, 8 होता है 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, और उसकी पावर है 3 ये वाली, और गुणा 7 है, तो 7 ऊपर जाके ना यहाँ पे भाग कर देते हैं हम, 7 की पावर 1 हो जाएगा ये, 7 की पावर 1 क्या होएगा बच्चों, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 की पावर 1 भाग ऊपर लिख दिया हमने। अब ये कितना आएगा बच्चों देखिए, 2 की पावर 10 गुना, अब ये 2 की पावर नीचे 3 गुना 3 9 है, तो भाग में लिख दें ऊपर, ठीक है, इसको भी ऊपर ही लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा बच्चों भाग 2 की पावर 9 और गुणा में है बच्चों 7 की पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस, तो ये देखिए बच्चों 2 की पावर 10 माइनस 9 हो जाएगा, भाग है ना दोनों, तो 2 की पावर 10 माइनस 1 और गुणा 7 की पावर 2। अब 10 माइनस 1 कितना होता है बच्चों, 10 माइनस 9 होगा बच्चों, ये क्या होगा 10 माइनस, तो ये 2 की पावर 1 आ जाएगा, यानी 2 ही आएगा 7 की पावर 2, तो ये आंसर है आपका पहले पार्ट का, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास क्या है, अगला सेकंड पार्ट है देखिए, तो इसको लिखो 25 को क्या लिखना है बच्चों, 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 और गुणा t की पावर 8, और ये नीचे है ना t, तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ये टी की पावर 4 है ना नीचे, तो ऊपर टी की पावर -4 लिख रहा हूं मैं, क्योंकि टी की ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, ठीक है। और ये नीचे 10 की पावर है जो 3, 10 की पावर क्या है बच्चों 3, तो इसे हम लिख लेते हैं 2 गुणा 5, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 और इनकी पावर 3 है, ठीक है। फिर 10 को मैंने लिख लिया 2 गुणा 5, फिर है 2 5 की पावर कितनी होगी पूरी ऊपर 4, शाबाश, 5 की पावर 4 और गुणा t की पावर 8 -4 4, और नीचे ये 2 की पावर भी 3 है, 5 की पावर भी 3 है, 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3, ठीक है। फिर ये 5 की पावर 4 है, नीचे 5 की पावर 3 है, तो ऊपर जाके माइनस,
तो ये आप लिखोगे 5 की पावर 4 माइनस 3 गुणा टी की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3। ये 5 जो है ऊपर जाके माइनस हो गया पावर, तो ये हो गया बच्चों 5 की पावर 1 का मतलब 5 गुणा टी की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3। ऐसे ही रखो ये आंसर आपका, क्योंकि 2 ऊपर है नहीं कुछ ऐसा तो काट देते। फिर थर्ड पार्ट है इसका, ये लास्ट है ये। तो इसमें देखिए आपके पास लिखेंगे 3 की पावर 5 गुणा 10, 10 है, 10 को हम 2 गुणा 5 लिखें, 2 गुणा 5 10 होते हैं और उसकी पावर 5, और 25 को हम 5 की पावर 2 लिखेंगे, ठीक है, और नीचे 5 की पावर 7 है, और 6 को लिखेंगे बच्चे 2 गुणा 3, 6 होते हैं इनकी पावर 5, ठीक है। फिर ये 5 है जो 2 की भी है पावर, 5 की भी है, तो हम लिखेंगे इसको बच्चों 3 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 7 गुणा 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 5। यहां तक समझ में आएगा सबकी? अब जो सेम चीज है उनको काट दें, 2 की पावर 5 यहाँ भी है, 2 की पावर 5 यहाँ भी है, ठीक है, 3 की पावर 5 ये भी है, 3 की पावर 5 ये भी है। अब ये 5 की पावर 5 है और 2, 5 और 2 7, तो ऊपर रह गया 5 की पावर 7, क्योंकि गुणा है, जोड़ दी हमने पावर्स, नीचे भी 5 की पावर 7 है, तो ये आपस में कैंसिल होके एक आंसर है बच्चों इसका, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। तो बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, अगर कहीं कोई गलती है तो आप कमेंट करके बता सकती हैं, ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।